हेलो दोस्तों, आई लोग बनाएंगे अंडा भुर्जी, जो बनाने में दोस्तों बहुत आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब है। तो दोस्तों आज लोग बनाएंगे मुंबई स्टाइल अंडा भुर्जी रेसिपी, जो दोस्तों एक बार बनाइएगा तो बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि दोस्तों इसका टेस्ट ही ऐसा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो अंडा भुर्जी है कितना परफेक्ट बना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और अंकित कुकिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। एक बार आप घर पर ट्राई जरूर करें और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अंडा भुर्जी बनाने के लिए हम लोगों ने 7 से 8 अंडे का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे एक बाउल में। तो दोस्तों आप चाहें तो अंडे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, आप अपने अनुसार से ले सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक कर करके जो अंडा है उसको दोस्तों हम लोग इसी में तोड़ लेंगे। और अंडा भुर्जी बनाने का सबसे आसान तरीका हम लोगों ने शेयर किया है, आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसी में हम लोग ये नमक को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग नमक 2 बार ऐड करेंगे, तो इसीलिए हम लोग जो आधा नमक इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छे तरीके से इसको फेंटेंगे उतना ही जो अंडा भुर्जी है बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो हम लोगों ने देखिए अंडा को अच्छे से फेंट लिया है। अब चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग एक फ्राई पैन लिया और इसी में हम लोग ये 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे। और इसी में 2 मीडियम साइज के प्याज को हम लोग अच्छे तरीके से काट लिया था। और काटने के बाद दोस्तों इसी में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमको इनको बस 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। ज़्यादा दोस्तों इसको जो कलर है उसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करना है। तो देखिए हम लोगों का जो प्याज है वो अच्छे तरीके से दोस्तों भुना रही है। तो इसी में हम लोग ये 5 से 6 हरी मिर्च को काटा था इसी में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो जो हरी मिर्च है थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा स्पाइसी बनाया है। और इसी में दोस्तों हम लोग ये अदरक लहसुन है तो इसको भी इसी में इसी समय ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है दोस्तों वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से भूनने के बाद इसी में हम लोग ये 2 बड़ी साइज के टमाटर लिया था इसको भी काट लिया था, तो इसी में ऐड कर देंगे। और इसी में नमक को भी ऐड कर देंगे, ताकि जो हम लोग का टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। तो दोस्तों हम लोगों ने नमक जो है वो 2 बार ऐड किया है। आप चाहें तो एक ही दाई में नमक को डाल सकते हैं। और इसको भूनने के बाद इसी में हम लोग 1 चम्मच जो है कश्मीरी मिर्च पाउडर है, और दोस्तों 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर को ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो दोस्तों जो कश्मीरी मिर्च पाउडर होता है वो कलर के लिए बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि स्पाइस नहीं होता है। तो दोस्तों इसको भूनने के बाद हम लोग इसी में पाव भाजी मसाला लिया है। तो दोस्तों मुंबई स्टाइल बना रहे हैं दोस्तों, इसमें पाव भाजी आप ज़रूर डालें। और ये प्याज है जो हरी प्याज होती है उसको हम लोग काट करके इसी में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों जो हरी प्याज होती है उसको आप एक बार ज़रूर डालिएगा, इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही परफेक्ट आता है। तो इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसी में हम लोग ये कसूरी मेथी लिए हैं, तो इसको भी हम लोग इसी समय डाल देंगे। और डालने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए जो हम लोगों का जो प्याज टमाटर है वो अच्छे से इसमें गल चुका है। तो दोस्तों इसी समय हम लोग जो अंडे फेंट कर रखे थे इसी में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हम लोगों को आधा अंडा इसमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो फ्लेम है उसको हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम में दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से कुक करेंगे, ताकि जो हम लोगों का मसाला है वो अच्छे से भुर्जी में मिल सके। तो दोस्तों आप एक बार में ये अंडे को नहीं डालिएगा, इसी तरह आधा आधा करके ही अंडे को डालिएगा, इससे जो एक भुर्जी होती है बहुत ही लाजवाब बनता है। तो जो बचा है दोस्तों इसको भी हम लोग इसी में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको भी हम लोग अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों हम लोग आज मुंबई स्टाइल एक भुर्जी बताने का बहुत ही आसान तरीका में बनाया है, आप घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए इसी तरह हम लोग मिला करके दोस्तों अच्छे से इसको पका लेंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको थोड़ा इसी तरह ही एक भुर्जी को उतार सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको ड्राई बनाए हैं।
क्योंकि दोस्तों जो मुंबई स्टाइल में बनता है वो थोड़ा सा गीला ही रहता है। तो इसमें हम लोग ये हरी प्याज थोड़ा सा और ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो अंडा भुर्जी बनाए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा ड्राई ही बनाया है, आप चाहें तो थोड़ा गीला ही इसको उतार सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग इसी तरीके से अच्छे से भून लेंगे। तो एक बार हमारे तरीके से आप घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा और आसान तरीके से दोस्तों बन भी जाता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि दोस्तों हम लोग जो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप पर नोटिफिकेशन उसका जा सके। तो इसी तरह हम लोग इसको चला करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग अंडा भुर्जी बनकर तैयार है, तो इसको हम लोग अब नीचे उतार लेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोग का जो अंडा भुर्जी है वो कितना परफेक्ट बना है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा और खाइएगा और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा जो अंडा भुर्जी है दोस्तों कैसा बना है और कहाँ से है दोस्तों, ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए हम लोग का जो अंडा भुर्जी है वो बनकर तैयार है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, धन्यवाद।